हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं जजिक ब्लॉक और मेरे ब्लॉक मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। फाइनली मैं बहुत दिन बाद आज खाने का वीडियो बना रही हूँ, गाजर का हलवा। ठंडी में मेरे पास बहुत सारा गाजर था, मैं देख के तो गाजर लाई थी, तो खाने में सब खाती हूँ कच्चे कच्चे, लेकिन थोड़ा सा बच गया था काफ़ी। अब सब एक किलो के करीब है, तो मैंने पहले इसको अच्छे से धो के छील के मिक्सिंग पीस गर्म कर लिए, बॉयल कर लिए कुकर में, क्योंकि गाजर बहुत मीठी है, बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद हमने इसको 4 चम्मच घी कढ़ाई में डाला हमने देखा, अब उसको अच्छे से भूजेंगे। और गाजर एकदम पूरा गल गया, इस बार तो गाजर बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं कैसे बना रही हूँ गाजर के हलवा। फ्रेंड्स मेरे पास 1/2 किलो अमूल का क्रीम मिल्क है, तो इसको मैंने डाल दिया पूरी तरह से। और क्योंकि फुल क्रीम है ना, तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं, और हमने ज़्यादा कुछ डालेंगे नहीं। और ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू बादाम किशमिश और ये सारे डालेंगे हम। देखिए काजू यहाँ पे रखा है, 15-20 काजू होगा और बादाम भी 8-10 होगा और किशमिश बहुत सा ज़्यादा है। आपको सही जगह की भी आपको सस्ता ठीक नहीं लगता मुझे, और चाहे तो बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा कुछ डालेंगे नहीं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आपको पहली बार है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।
जितना पकेगा उतना रबड़ी जैसा बनेगा, क्योंकि आमल के फुल क्रीम जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मेरा किसमें जब तक खुलेगा नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई चैनल। मेरे गाजर का हलवा एकदम बन चुके हैं, देखिए इतना बड़ी बड़े इतना बड़ा सा हुआ। अभी थोड़ा सा एक चम्मच और घी डालेंगे इसमें, ठंडी के टाइम वाला एक चीज। और मैं नेक्स्ट टाइम बने आंवला का मुरब्बा भी बनाऊंगी, बहुत सारा 1.5 किलो आंवला, करीब 2 किलो आंवला लेकर रखी हूँ, उसको मुरब्बा बनाऊंगी, पूरी पूरी बनाऊंगी मैं। थैंक यू फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स मैंने ड्राई फ्रूट दे दिए, सारे काजू बादाम सब दे दिए। पहले किशमिश दे दिए थे, किशमिश में पता ही नहीं चला कहाँ का चला गया। और अब मेरा बहुत ही अच्छा लाजवाब अम्मी का चलता है, टेस्टी टेस्टी बन गया और बस बहुत अच्छा है। थैंक यू फ्रेंड्स। बस अब हम सब करेंगे इसको, आप मेरे साथ बने रहिए और हम खाएंगे, आप भी मजा लीजिए, आप भी घर में बनाए किस तरह खाइए। थैंक यू।